दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शिल्पा आपकी फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अनु की एक गलती की वजह से फूटेगा आदित्य का गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, शो में देखने को मिलने वाला है कि डांडिया यानी गरबा के दिन अमालिनी और अनु दोनों ठान लेती है कि वो किसी भी कीमत पर इमली को इस घर की वो जो है हक तो नहीं लेने देगी, और इसी के चलते वो काफी कुछ खराब भी करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी इमली सब संभालती है और प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है। सभी घर वाले काफी एक्साइटेड हैं इमली को सरप्राइज देने के लिए, और डांडिया शुरू होता है, लेकिन अनु उन दोनों को साथ देकर बीच में ही डांडिया खेलना शुरू कर देती है और धक्का मुक्की सी हो जाती है ताकि इमली और आदित्य गिरे और उसके बाद में डांडिया बंद हो जाए। और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब इमली को जैसे ही घर वाले सरप्राइज देंगे, अनु अपनी बात उठाते नजर आएगी और कहेगी कि इस पर तो सिर्फ मेरी बेटी का हक है, अगर आज आप इमली को अपना लेते हैं तो मेरी बेटी और उसके बच्चे का क्या होगा। और इसी बात पर आदित्य भड़कते नजर आएगा कि ये सब कुछ सिर्फ आपकी गलती की वजह से है, जो भी मेरे और मालिनी के बीच में हुआ है प्यार जैसा कुछ भी नहीं था, आपने ही नशे की वो दवाई मिलाई थी और इसी के चलते हुए ये सब कुछ हुआ है। और आदित्य मुंह तोड़ जवाब देता है और घर वाले भी इमली का ही साथ देते नजर आते हैं और इमली को फाइनली इस घर की बहू होने का दर्जा दे देते हैं मालिनी के साथ ही। अनु और आदित्य के बीच में इस बात को लेकर काफी झगड़ा होता है, तो आदित्य फैसला करता है कि ऐसा करिए कि मालिनी को अपने साथ ले जाइए, अगर आपको यहाँ पर इमली का ऐसे रहना पसंद नहीं है तो मालिनी आप बेफिक्र यहाँ से जा सकती है, और मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ रहना चाहिए, इमली ने आपको यहाँ रहने का मौका जरूर दिया है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि घर में इस तरह से हो सब कुछ और आप बेबी मेंटली इस तरह से प्रेशर पड़े, इससे कि बच्चे पर भी गलत फर्क पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि या तो हमेशा लिए त्रिपाठी से को छोड़कर अपनी माँ के साथ चली जाइए, वरना अब हमारा आपकी माँ से कभी कोई रिश्ता नहीं होगा और ना ही वो किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। मैंने पहले ही मना किया था लेकिन आपकी जिद की वजह से वो यहाँ पर आई है और अब ये तमाशा आप देख ही रही हैं। तो वही मालिनी को साफ साफ घर से चले जाने के लिए आदित्य कह देता है, जिससे कि मालिनी के होश उड़ जाते हैं।